हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए आपके पास क्या गिवन है। फाइंड द मॉडुलस ऑफ वन प्लस आई अपॉन वन माइनस का आई माइनस का वन माइनस आई अपॉन वन प्लस आई। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपके पास को इसका मॉडुलस फाइंड करना है। तो सबसे पहले मॉडुलस फाइंड करने से पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई इन द सेंस, ये जो आपको फॉर्म दिख रही है, आपको पता है जब भी ऐसी फॉर्म आती है तो मैंने आपको बताया कि हमेशा इसका रैशनलाइज किया जाता है इसको, ठीक है। तो पहले मैं इस पार्ट का रैशनलाइज करती हूँ, इस वाले पार्ट का, देन फिर मैं इसका रैशनलाइज करूंगी। वन प्लस आई अपॉन वन प्लस आई रैशनलाइज ऐसी करते हैं, जो साइन होता है उसके अपोजिट साइन से हम रैशनलाइज कर देते हैं। देन ये इसका भी रैशनलाइज करेंगे हम यहाँ पे, वन प्लस आई वन माइनस का आई अपॉन वन माइनस का आई। तो ये कितना हो जाएगा, वन प्लस आई इज वन प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ a माइनस बी और a प्लस बी है, तो ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। a माइनस बी, ए प्लस बी, आपको पता है ए माइनस बी और ए प्लस बी इक्वल टू कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है इन जनरल फॉर्म। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी सेम, आपके पास a आपके पास वन था और b आपके पास i था, तो ए स्क्वायर वन स्क्वायर माइनस का आई स्क्वायर हो गया माइनस, देन यहाँ पे वन माइनस आई का होल स्क्वायर है, तो वन माइनस आई का होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पे भी आपके पास ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देन देखिए आपके पास यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देखो ए आपके पास वन है, बी आपके पास आई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू इंटू ए, ए वन है और बी आई है, तो वन इंटू आई इज आई हो जाएगा, अपॉन नीचे वन माइनस का आई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो माइनस वन होती है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे माइनस वन कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको आई दिख रहा है, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन हो जाती है। देन वन माइनस आई का होल स्क्वायर, इसमें भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा आपके पास, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी, टू इंटू ए वन है आई, टू आई। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस साइन है, ठीक है, बीच में आपको दिख रहा माइनस साइन है, तो ये माइनस साइन क्या करेगा, पूरे से मल्टीप्लाई होगा, तो इसलिए हम एक छोटा सा एक ब्रैकेट लगा देते हैं जिससे कोई कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ वन का स्क्वायर वन हो गया और यहाँ आई का स्क्वायर आपको पता है माइनस वन होता है, तो ये कितना आ गया आपके पास, देखिए वन का स्क्वायर वन रहा, आई का स्क्वायर माइनस वन, टू इंटू आई, टू आई हो गया, अपॉन नीचे में देखिए माइनस माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा प्लस वन, माइनस का ये माइनस साइन अभी हम ऐसे ही रखते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। वन वन हो जाएगा, आई का स्क्वायर माइनस वन हो गया और माइनस का टू आई अपॉन नीचे माइनस माइनस प्लस, ये वन प्लस वन हो गया, देन कितना आ जाएगा, वन से वन कैंसिल हो जाएगा, ऊपर रहा टू आई अपॉन टू और यहाँ माइनस का साइन हम एज इट इज रखते हैं, ये वन से वन कैंसिल हो गया। अब देखिए ये माइनस साइन की अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस है और यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस ये प्लस कर देगा इसको, ठीक है, और ये ऊपर टू आई होगा और नीचे अपॉन में वन प्लस वन टू, टू से टू कैंसिल, टू से टू कैंसिल, तो आई प्लस वन, मतलब हमने यहाँ पे देखा कि हमें फाइनली जो मिला वो कितना मिल गया, आई प्लस वन, ठीक है, आई प्लस वन और ये टू आपका कैंसिल आउट हो गया। हाँ ये आई प्लस वन नहीं है, यहाँ पे आई है, ये भी आई था, सॉरी मैंने इसको वन बोल दिया, आई और आई मिलके क्या बन जाएगा, टू आई, ये वन नहीं था, यहाँ पे आई है, देखिए ये आई है, ये भी आई है, आई प्लस आई इक्वल्स टू टू आई हो गया आपके पास, ठीक है। तो हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जब मैंने रैशनलाइज करा और पूरा सिंप्लीफाई करा तो मुझे फाइनली इतना छोटा सा टर्म मिला एक, ठीक है, टू आई, जो कि एक आपका आयोटा नंबर है, आपके पास इमेजिनरी नंबर है। आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड करना हमने कैसे सीखा था, मॉडुलस मतलब कैसे फाइंड होता है, अगर हमें इसका मॉडुलस निकालना है तो आपको पता है उसके जो रियल पार्ट होता है अंडर रूट के अंदर हम रियल पार्ट का स्क्वायर करते हैं प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करते हैं। अब इसमें रियल पार्ट तो कुछ है ही नहीं, तो इट मीन्स आपके पास इसमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, तो इमेजिनरी पार्ट का जो कोफिशेंट होता है उसका स्क्वायर किया जाता है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, टू का स्क्वायर फोर होता है और फोर रूट किसका होता है आपके पास, टू का, तो टू हमारा आंसर हो गया। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, जैसे थ्री प्लस फोर आई हमारे पास है, इसका मॉडुलस फाइंड करना है आपने, तो इसका मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं, रूट करते हैं जो रियल पार्ट होता है उसका स्क्वायर होता है प्लस जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका कोफिशियंट का स्क्वायर हो जाता है, तो ये हमारे पास नाइन प्लस फोर का स्क्वायर सिक्सटीन होता है, तो ये ट्वेंटी फाइव होता है और ट्वेंटी फाइव किसका स्क्वायर रूट होता है, फाइव का। तो ऐसे हमने मॉडुलस फाइंड करना सीखा था, तो सेम थिंग यहाँ पे सिर्फ इमेजिनरी पार्ट था, तो टू का हमने इसके कोफिशियंट, इमेजिनरी पार्ट का जो कोफिशियंट है उसका स्क्वायर कर दिया बस यहाँ पे, और रियल पार्ट यहाँ पे है ही नहीं,
मतलब रियल पार्ट यहाँ पे जीरो है, जीरो प्लस टू आई हम इसको मेंशन करके ऐसे समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कंप्लीट हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 16 हम करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए आपके पास क्या है, एक्स प्लस आई वाई का होल क्यूब इक्वल्स टू यू प्लस आई वाई, देन शो दैट यू अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आपकी मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, चैप्टर 5 है आपके पास, क्लास 11th है। ओके तो इसकी बहुत सी क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 16 आज हमने करना है। क्वेश्चन नंबर 16 में आप देखिए, इसमें आपके पास गिवन ये है और आपको शो ये करना है, यानी कि इस गिवन पार्ट से आपको ये शो करना है। तो आपको अपने गिवन पे फोकस करना पड़ेगा कि गिवन को पहले आप सॉल्व करेंगे, देन आप इसको सॉल्व करके यू और वी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर आपको यू और वी मिल जाता है तो आप यहाँ पर उसको पुट करके ये आप शो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको फोकस करके यहाँ से यू और वी की वैल्यू निकालते हैं। तो हमारे पास ये जो गिवन है, हम इसको यहाँ पर लिख रहे हैं, ये हमारे पास गिवन है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस वाई का होल क्यूब है आपके पास, यानी कि a प्लस बी का होल क्यूब, आपने क्लास 9th में ये फॉर्मूला पढ़ा था। हमारे पास फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ये हमारे पास क्लास 9th का एक फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी होती है हमारी, वो आइडेंटिटी हम यहाँ पर लगा देते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में भी आइडेंटिटी सेम रहती है आपके पास। तो यहाँ पर आपके पास ए क्यूब क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब यानी कि आई वाई का होल क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू एक्स इंटू आई वाई और ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी होता है यहाँ देखिए ब्रैकेट में, 3ab के बाद a प्लस बी यानी कि x प्लस आई वाई। और राइट हैंड साइड को हम u और आई वी को ऐसे ही रखेंगे क्योंकि इसकी वैल्यूज हमने निकालनी है। अब हमने इस फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करना है, एक्स क्यूब आई वाई का होल क्यूब, यानी कि आप देखिए यहाँ पे इसको आप रफ में सॉल्व कर लीजिए, आई वाई का होल क्यूब यानी कि आई वाई को 3 बार आपने मल्टीप्लाई करना है, आई इंटू आई हो जाएगा आपके पास आई स्क्वायर, फिर आपके पास एक और आई है, ये देखो ये आई और आई आई स्क्वायर कर दिया, इस आई को मैंने ऐसे ही रखा, वाई 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 कितना हो जाएगा वाई क्यूब, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ये आई ऐसी रहेगा इंटू वाई क्यूब, आई बन जा आई हो जाएगा, माइनस का साइन ऐसी रहेगा, आई वाई क्यूब आ जाएगा, इसका आंसर जो आएगा वो आएगा माइनस का आई क्यूब, तो मैं इसको माइनस का ही कर देती हूँ, माइनस का सीधे से आंसर लिख देते हैं यहाँ पे आई वाई क्यूब, ठीक है। प्लस यहाँ देखिए 3xiy है, 3xiy है, तो यहाँ पे हम इसको 3xiy को इस अंदर से 1 by 1 मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई इससे भी होगी, तो 3xiy जब x से मल्टीप्लाई करा तो ये x और ये x मिलके क्या हो जाएगा 3x2yi, ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 3y2xi, ठीक है, देखिए 3y इंटू वाई वाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे x है और i, 3y2xi और u प्लस iy, आई थिंक ये मल्टीप्लाई करना बहुत इजी होगा, आप लोगों को आता है ये करना। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, रियल पार्ट एक साथ कर लेते हैं, एक्स क्यूब के साथ साथ हमारे पास रियल पार्ट यहाँ पे आपको दिखेगा कि देखिए यहाँ पे क्या था, 3xiy था, यहाँ पे iy था, तो ये कितना होता 3y2x, यहाँ i इंटू आई, ये आई स्क्वायर था, इसको बाई मिस्टेक मैंने i कर दिया, आप इसको आई स्क्वायर कर लीजिएगा। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, देन नेक्स्ट स्टेप में हम रियल और इमेजनरी अलग करेंगे। यहाँ पे देखो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ठीक है, ये -1 होगी तो ये प्लस साइन माइनस हो जाएगा और 3y2x बच जाएगा और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होकर इस प्लस को माइनस कर देगा वो यू प्लस आई वी। अब मैं इसमें से रियल पार्ट एक साथ कर रही हूँ एक्स क्यूब, और ये मेरे पास एक्स क्यूब के साथ ये भी एक रियल है, ये भी एक रियल है, तो मैंने इनको साथ में रख दिया, ये साथ में माइनस का, इसको माइनस का साइन ही माइनस कर लीजिएगा, -3y2x और इमेजनरी पार्ट जो मेरा था उसको मैंने एक साथ करा। इमेजनरी पार्ट में मेरे पास है 3x2yi माइनस का आई वाई क्यूब और यहाँ यू प्लस आई वी। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट क्यों अलग कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम हमेशा जब कंपैरिजन करना होता है यहाँ पे हमें यू और वी की वैल्यू चाहिए और यू आपका रियल है, वी आई वी जो है आपका इमेजनरी है, तो ये आयोटा वाला पार्ट है, ये रियल पार्ट है, तो हम यहाँ पे कंपैरिजन करके यू और वी की वैल्यू निकालने के लिए हम रियल पार्ट अलग और इमेजनरी पार्ट अलग कर रहे हैं। तो ये रियल आ गया और ये इमेजनरी आ गया, इस इमेजनरी में से हम इसको आई को बाहर निकाल लेते हैं और अंदर जो कॉमन पार्ट है वो रखते हैं वाई क्यूब।
और रियल पार्ट तो आपका एज इट इज सही आया है, तो मैं इमेजनरी में से हमने आई बाहर निकाल लिया। देन यहाँ पे देखिए ऑन कंपेयरिंग कर दीजिए, इसको कंपैरिजन करेंगे, या लिख सकते हैं ऑन इक्वेटिंग रियल पार्ट, रियल एंड इमेजनरी पार्ट। तो क्या मिला हमें, वी ऑप्टेंड एक्स एक्स क्यूब माइनस का 3y² x इक्वस टू यू, ये यू की वैल्यू मिल गई। और यहाँ से ये देखो रियल पार्ट है और ये रियल पार्ट है, इसका कंपैरिजन करा तो यू की वैल्यू मिल गई। यहाँ से वी की वैल्यू क्या मिल जाएगी अगर हम कंपैरिजन करेंगे इसका, इससे 3x² y माइनस का वाई क्यूब, ठीक है, ये यू और वी की वैल्यूज आ गई। अब हमें यू और वी की वैल्यू जब मिल गई तो इस वाले जो आपको शो करना है यू अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई, यहाँ पे हम यू और वी की वैल्यू पुट कर देंगे अपने गिवन पार्ट के लेफ्ट। तो हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड, हम यहाँ से यहाँ इस पेज में हम इसे कर लेते कंप्लीट, वहाँ पे ये पूरा नहीं हो पाएगा, तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमने इसके लिए, यहाँ पे हम इसकी यू और वी की वैल्यू पुटअप कर देंगे, एक्स क्यूब माइनस का 3y² x अपॉन एक्स प्लस वी की वैल्यू थी 3x² y माइनस का वाई क्यूब अपॉन वाई। तो यहाँ से देखिए एक्स कॉमन हो गया, तो कितना आ गया आपके पास x² माइनस का 3y² अपॉन एक्स, यहाँ से वाई कॉमन ले लेंगे तो 3x² माइनस का y² अपॉन वाई, वाई से वाई कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास हो गया x² माइनस का 3y² प्लस 3x² माइनस का y² x² और 3x² मिलके 4x² हो जाएगा, 3y² और y² मिलके 4y² हो जाएगा। देखिए ये माइनस का है, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है, 3 में 1 प्लस करेंगे तो 4 कॉमन लेंगे तो अंदर रहा x² माइनस का y², तो ये हमारी आ गई राइट हैंड साइड। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी और हमारी ये राइट हैंड साइड प्रूफ हो गई है, ठीक है, कुछ नहीं करा हमने, यू और वी जो कंपेयर करके निकाला था वहाँ से यू और वी की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।